साइज वन में क्या लिया था? वन में कुछ था या नहीं था? हाँ भाई, साइज वन में 18 तक तो कर लिया था अपन लोगों ने। 19 से आगे कुछ दिया था क्या? 19 से लेकर के 28 तक। हाँ भाई, किया आप लोगों ने 19 से। चलिए मिला लेते हैं एक बार, है ना। इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े बाहर के भी डाल दिए इन्होंने, ठीक है, तो स्किप कर देंगे अपन लोग। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर एक तो 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अरे ये किसी ने पूछा भी था मुझसे, वो सिंपल अगर भाई देखो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो काम बन जाएगा, है ना भाई। जैसे इसमें a प्लस 3b दे रखा है, क्रॉस के अंदर a 3a माइनस b दे रखा है, a की 3a से मल्टीप्लाई 0 दे देगी, a की इससे मल्टीप्लाई माइनस a क्रॉस b दे देगी, 3 की इससे मल्टीप्लाई 3b क्रॉस a देगी, मतलब माइनस का 9 a क्रॉस b दे देगी और फिर 0 दे देगी, और आपको इसका पूरे का स्क्वायर चाहिए, माने एक तरह से आपको 100 a क्रॉस b का होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब आपको 100 इंटू मॉड a मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, और थीटा दे ही रखा है अगले ने, है ना। अब यह सारी वैल्यूज अवेलेबल है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ। हाँ, इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसमें आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर बाय द वे किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर दिए जाते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए जाते हैं, तो जब आप उसका डेल्टा निकालते हैं तो दैट इज 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए निकलता है। याद आ गया आपको, ऐसा हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो ये जो डेल्टा आया ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, अरे ये जो डेल्टा है तो वेक्टर वैल्यू आई ना, ये सब तो वेक्टर ही वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर, सी क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर, वेक्टर 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 सब मिला के वेक्टर आ रहा है, बेसिकली डेल वेक्टर है। अब आपको तो चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, तो जब आपको डेल कैप चाहिए तो आप क्या करोगे, जो आपका डेल वेक्टर है उसको मॉडुलस ए से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? तो जब आपको करना क्या है, इसको जो भी है इसकी एज इट इज वैल्यू से ही तो डिवाइड करना है। अच्छा, उसमें 1/2 शामिल होगी या नहीं होगी? हाँ, ये तो समझना मेरे को आपसे कि जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आंसर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाय 2 तक तो ये डेल्टा ही दे रहा है ना, और जब डेल कैप निकालोगे तो मतलब डेल मॉड निकालोगे तब 1/2 आएगा, और वो डेल मॉड में ही रह जाएगा। नहीं समझ में, डेल मॉड के अंदर ही है 1/2, बाहर नहीं आएगा। बाहर तो तब आएगा जब आप डेल मॉडुलस निकाल के उसे रखोगे। नहीं आया समझ में? हाँ, जिस दिन वैल्यू निकालोगे तब आपके डेल मॉड के टाइम पे 1/2 आएगा जो कटेगा। अरे अभी इसी के अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर ही है सब 1/2 1/2 सब। नहीं समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डेल मॉड इसी के अंदर ही है, अपने अलग से नहीं बुलाया अभी, है ना भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इसीलिए ध्यान रखना है कि 1/2 इसी के अंदर छुपा हुआ है, जब ये निकलेगा तब जाकर के 1/2 से 1/2 कटेगा। नहीं आया समझ में? ये कई बार है ना थोड़ा चकराने वाली जगह हो जाती है, जैसे मान लो अभी आपको समझ में आ गया, थोड़ी देर बाद में वापस सब चक्कर खा जाओगे कि यार 1/2 से 2 कटना था ना। ध्यान रखना, वो तो जब निकलेगा तब कटोगे, डेल मॉड के अंदर है, इनबिल्ट है अभी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, ये अभी का क्वेश्चन भी नहीं है बेसिकली, थोड़े दिन रुक जाइए आप इसमें, फिर आपसे ये भी बन जाएगा, वीटीपी का क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो इसी तरह 23 भी वीटीपी का ही है, अभी आप रुक जाइए। 24, अच्छा देखिए सब, इसने लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डी बोल रहा है। अच्छा, और सारिका ने टेट्राहेड्रॉन किया, आपको पता होगा टेट्राहेड्रॉन में ये क्या कह रहा है, हाइट मांग रहा है। आप जानते हैं इसने क्वेश्चन में तो क्या मांगी है, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डी, यही है ना भाई। इस वर्टेक्स से इसकी ये हाइट ही तो मांग रहा है एक तरह से,
अगर ये हाइट मांग रहा है तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? हाँ सर, हाइट इज इक्वल टू, मैं एक मिनट, हाँ भाई आ जाए वापिस से इस पे, है ना। देखिए ऐसा है, किसी भी ऐसी चीज का जो कि शार्प हो, कोई भी ऐसी चीज जो शार्प होती है ना, किसी भी चीज का जो शार्प होती है, बेसिकली हर चीज का, इवन मैं तो शार्प भी गलत ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज जो होती है ना उसका वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया इनटू हाइट ही होता है, कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने रेक्टेंगुलर कॉइन दे दिया, आपने दिवाली के दिनों में ऐसे चौकोर लक्ष्मी जी के सिक्के देखे हों तो, है ना, ऐसे सिक्के होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे भी सिक्के आते हैं, ठीक है, बिस्किट जैसे, ठीक है, अगर मैं बिस्किट पे बिस्किट ऐसे जमाता चला जाऊं तो आपको पता होगा वो धीरे धीरे क्यूबॉइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है ना बेस एरिया इनटू हाइट होता है, LBH, नहीं मैं मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूँ, आसान शब्द ही बोल रहा हूँ मैं, LBH ही होता है, याद आया आपको? अच्छा, अगर बाय द वे कभी कोई चीज़ है ना ऐसे शार्प हो जाती है तो कुछ नहीं करते, बेस एरिया इंटू हाइट के साथ 1/3 कर देते हैं, जैसे कोन है, ठीक है ना, तो कोन का एरिया निकालने का मतलब हो गया बेस एरिया माने सबसे बड़ा सिक्का, फिर अगला सिक्का उसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा सिक्का, तो ऐसा क्या होगा, कोन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बेस एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं समझ में? अगर भाई देखो एक जैसे सिक्के रखते जाओगे तो सिक्के पे सिक्का रखने पे बेलन बन जाएगा, माने सिलेंडर बन जाएगा, आया समझ में? तो आपका जो सिलेंडर बनेगा तो वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, अगर वही शार्प हो जाए तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है, इतनी बात समझ में आती होगी ना। अच्छा, तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये भी एक तरह का जो नीचे का जो बेस है उसके कॉइन पे कॉइन रखा हुआ है, लेकिन शार्प होता जा रहा है, माने धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता रहा है, तो हम क्या करते हैं ना 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट ले लेते हैं, नहीं समझ में आया, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं, मुश्किल बात नहीं बोली है मैंने, आसान आसान शब्द ही बोलता हूँ मैं, तो आप में सभी को पता चल गया होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू मैं 1/3 ऑफ, एक सेकंड सुनते जाओ, 1/3 ऑफ बेस एरिया, कितना, बेस एरिया इंटू हाइट, अभी भी नहीं आया समझ में? जब भी कोई चीज शार्प होती है ना बेस एरिया इंटू हाइट का 1/3 हो जाता है, और अगर शार्प नहीं होती है एक जैसी चलती जाती है तो बेस एरिया इंटू हाइट ही रहता है, अभी आया। अच्छा, अब आपको ये पता होगा इसका बेस अपने आप में ट्रायंगुलर है, अगर ट्रायंगुलर बेस है तो उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना हाफ ये ए क्रॉस बी होता है, अभी भी नहीं आया। तो अगर भाई तुम्हें इसकी बात करी जाए ना, तो ये अपना बी है, ये अपना ए है, और ये अपना डी है, मान लेते हैं एक बार के लिए, डी से तो गैर डल ही रहा है, ठीक है, तो इसको सी मान लेते हैं एक बार के लिए, ऐसा है ना। तो अगर किसी ने जैसे इसका एरिया पूछ लिया तो बेस एरिया इज इक्वल टू बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर हो जाएगा, नहीं आया समझ में? तो आपको ये तो पता चल गया, इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इंटू बेस एरिया इज इक्वल टू में बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, इतनी तो बात समझ में आती होगी, इंटू में आपकी क्या आ गई, हाइट, जो कि हमें पता नहीं है। अब वॉल्यूम जरूर कई बच्चों को अभी भी हो सकता है डाउटफुल हो, लेकिन अगर भाई तुम्हें वॉल्यूम और टेट्राहेड्रॉन मैं किसी तरह आपको दे दूं तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 1/6 ऑफ ऑल इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, हाइट, और वही क्वेश्चन का फॉर्मूला है ना। तो बेसिकली याद रखना हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम और टेट्राहेड्रॉन अपॉन ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस एरिया, सॉरी अभी भी नहीं है, 1/6 ऑफ द बेस एरिया, तो आप लिख लीजिएगा हाइट इज इक्वल टू दिस मच। आज के दिन पे अपन है ना जब इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हमारे को ये पता चल जाएगा कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम जो होता है उसका कल अपन ने बॉक्स पढ़ना चालू करा था डब्बा एबीसी, उससे भी रिलेशन होता है, तो आज पता चल जाएगा वो रिलेशन, है ना। जब तक नहीं पता तब तक आप सिर्फ फार्मूला लिख लो कि हाइट इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अपॉन बेस एरिया, ठीक है ना, अपॉन में बेस एरिया, बेस एरिया अपने आप सही कर देगा, सब सेटल कर देगा इसमें, ठीक है, नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब वो क्या है क्यों है उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। 25th में आता हूं, हाँ भाई 25th हो गया, 26 में एक छोटा सा पेज है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये अगला बोल रहा है 2u x 3v इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि कई बच्चों ने तो पता ही नहीं किया होगा, तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे इसमें मॉडुलस वैल्यू 1 आ जाएगी, जब आप देखेंगे ना तो ये 6u x v इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा, राइट है भाई।
सिक्स तक तो ठीक है, जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो मॉड यू मॉड वी इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा। बेटर ना भाई? अब इसकी खुद की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब प्रॉब्लम ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 दो जगह पर आता है। जैसे आपने से किसी ने अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाया हो तो ये सिर्फ 0 से पाई तक का ही ग्राफ लेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा 0 से पाई तक ही होता है। तो 1/6 यहाँ कहीं होगा, यहाँ तो 1 होता है ना, यहाँ 0 होता है, तो बीच में कहीं पे 1/6 की लाइन जारी होगी, वो कितनी बार कट कर देगी? तो आंसर दो वैल्यूज पे आना चाहिए, लेकिन आंसर एक वैल्यू पे दिया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक बहुत जबरदस्त चीज है जो छुपी हुई है और वो है एक्यूट एंगल। ध्यान से देखा आपने, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल की वजह से सिर्फ 90 से पहले का कट ही लेंगे तो दूसरा कट लेंगे नहीं, ध्यान रखना है ना। हाँ, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे नजर रखिएगा आप। हम एक क्वेश्चन नंबर 27 हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बार बार बोला पहले भी और जब, क्योंकि मैं इसका वेट ही कर रहा था इस तरह के क्वेश्चन का, क्योंकि जब डिस्कशन होता है ना तब बच्चे का दिमाग ज्यादा खुलता है। देखिए U क्रॉस V दिया था, ठीक है बराबर। अब आपको बताना चाहिए U कौन है सा? A माइनस B है। क्रॉस में V कौन है सा? A प्लस B है। तो आपके पास में चॉइस ये है कि अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो A क्रॉस A 0 हो जाएगा। A क्रॉस B करते A क्रॉस B लिख लेते हैं अपन, माइनस का B क्रॉस A करते प्लस का एक और क्रॉस B और हो जाएगा और प्लस में एक 0 और हो जाएगा, हो जाएगा। तो फाइनली इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स A क्रॉस B हो जाएगा। सोचो आप। अच्छा, अगर ये 2 टाइम्स A क्रॉस B हो गया तो क्वेश्चन वाला कहता है कि आंसर इनमें से कौन सा है। अब देखिए मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल तब तक है जब तक अपने को ये याद नहीं आया कि आंसर जितने भी ऑप्शन में दिया है A डॉट B में दिया है। अब आपको क्रॉस और डॉट के बीच का एक रिलेशन था, लग्रांज आइडेंटिटी, याद आया आपको? तो 2 को तो कर देते बाहर और अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में मॉड A मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर, याद आ गया आपको? तो A डॉट B को अपन उधर की तरफ भेज देते हैं, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू में मॉड A की वैल्यू भी दी है अगले ने। मॉड A कितना दिया है? मॉड A और मॉड B दोनों की वैल्यू 2-2 दी है, तो ये तो देखा 4×4 माइनस A डॉट B की जगह A डॉट B ही छोड़ा है अगले ने और यही आंसर है ना? अभी भी नहीं है। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब वेरी गुड आपके लिए है, 12th तक के लिए। 12th के बाद में अगर आप 13 में लोग कहेगा गुड, ये भी नहीं हुआ क्या, फिर आपको डांट भी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान है ना, आप मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी करो, अभी आप एनसीईआरटी मिसलेनियस करोगे आपको ये सब मिल जाएगा, सब कहीं ना कहीं मिलता जाएगा आपको। एनीवे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सही है क्या? कौन सा आंसर है? सी डी इज गुड रूट 2 आ गया? आया किसी का? आ गया, एक बार दिखा देना ठीक है। मेरा हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रहे, मेरे हिसाब से अंडर रूट 98 अपॉन अंडर रूट 98 आ रहा था, अंडर रूट 98 अपॉन 7 आ रहा है। 7 तो तब आएगा ना जैसे अपन नीचे मॉड भी लेंगे, बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना? तो बी वेक्टर का मॉडुलस कितना हो गया? अच्छा 36 और 9 और 4 साथ ही होगा, सही बात है। अपन ने अंडर रूट 98 लिख लिया है, सही है, 36 9 4 का साथ ही होगा, ठीक है। फिर रूट 2 आ गया हमारा भी। हाँ साहब, अगला और कुछ दिया था? मिक्स प्रॉब्लम में दिया था। हाँ भाई, मिक्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 37 39 हो गया, पता चल ही गया होगा। वैसे इसने खुद ही बेवकूफ ने सारे राज खोल दिए जीए वेक्टर बोल करके, गधा है। हाँ भाई, आपको पता है ना कि मैंने आपको एक वर्ड यूज करा था सीवियर लाइंस, मैंने कहा था बहुत कम ऐसी लाइनें होती हैं जो एक ही जगह जाके मिलती हैं, उनमें से कुछ एक लाइनें जैसे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे मीडियंस मिलती हैं। अरे सेंट्रॉइड पे मीडियन मिलते हैं, मीडियन के मिलने से सेंट्रॉइड बनता है भाई, कैसे बातें करता है ना? मीडियन के मिलने से सेंट्रॉइड बनता है ना? तो ये जब सेंट्रॉइड बनेगा तो आप यहां से देखेंगे ना तो ये ओरिजिन की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, तो जी ए वैक्टर प्लस जी बी वैक्टर प्लस जी सी वैक्टर इसको टू 0 ही निकलेगा। नहीं आया समझ में? हाँ, ये छोटी छोटी बातें क्लिक करवा लो आप अभी भी, और मान लो आपसे नहीं क्लिक होती तो दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका है जी ए वैक्टर की जगह ए वैक्टर माइनस जी वैक्टर कर देना। नहीं समझ में आया? उससे भी आपका आंसर आ जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई 3 आ जाएगा।
अभी भी नहीं आया। वेक्टर मेहनत मांगता है साहब, मेहनत मांगता है। ये कोई पीछे का कोई पिछले सालों का पढ़ा हुआ चैप्टर नहीं है जो आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी, बहुत। ये धीरे 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 रमते रमते जमेगा, और इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनका आपकी पटरियां उखड़ जाएंगी। स्किप मार दो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लेकिन आप इसके साथ में प्रयास करो, आप बार बार ये टकराने से सीखोगे आप। हाँ सर, क्वेश्चन और कौन सा दिया था? 40 हो गया। और कौन सा दिया? 41 हो गया। और कौन सा दिया था? बस यही दिया था, 42 दिया ही नहीं था। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में कुछ हुआ है अभी तक? या बिल्कुल छुआ ही नहीं है, करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हाँ, 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन आप झेल जाओ, झेल तो नहीं, आपका दिमाग तो झेल तो जाएगा, लेकिन आप खुद करने में थोड़ा सा आलसी हो। हाँ साहब, आप जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, ये दोबारा उसी बच्चे से होता है जो इस पे थोड़ा इफेक्टिवली वर्कआउट करता है। देखिए साहब, ए बी सी अपने आप में एचपी की कौन कौन सी टर्म है? पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म है, ये बात पक्की है ना भाई। अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अब पहले इनका मतलब समझ लें। एचपी नाम की कोई बीमारी हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ सारी बीमारी एपी पे होती है। तो बेसिकली 1/A, 1/B, 1/C एपी में। तो 1/A इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 × D हो गया, जिसमें मैंने मान लिया ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, नहीं है। उसी प्रकार से 1/B इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 × D हो गया। उसी प्रकार से 1/C इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 × D हो गया। इस लाइन का ये भावार्थ है। इस लाइन को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये 3 बातें आनी चाहिए। आ गई। अब जिनके दिमाग में ये 3 बातें आ गई, वो आगे सुने। अब उसने बोला है कि यू वेक्टर और वी वेक्टर ये हैं जो लिखा है, मैं इसकी उसमें गहराई में नहीं जा रहा। उसने यू डॉट वी मांगा है। अगर यू डॉट वी मांगा है, ठीक है, यू डॉट वी का कॉमा है, तो अच्छा, यू कॉमा वी आर पैरेलल वेक्टर्स, यू कॉमा वी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यू कॉमा वी इक्वल टू 1। अच्छा, यू कॉमा वी इक्वल टू 1, यू क्रॉस वी एक डॉट ही है ना, हाँ, ये वाला डॉट है, इक्वल था, बाकी क्रॉस है, और यू और वी आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। तो अपन एक काम करते हैं ना, वाकई में डॉट वे चलते हैं। अगर 0 आएगा, यू डॉट वी इक्वल टू 0 आएगा, तो ऑप्शन बी खुल जाएगा, और अगर भाई तो यू डॉट वी इक्वल टू 1 आएगा, तो सी खुल जाएगा, और कुछ अजीब सा आ गया तो ए का एक ही किस्मत रूट जाएगी, नहीं है। अरे पैरेलल वेक्टर थोड़ी ना रहेगा फिर, कुछ आ गया तो, ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। इसका मतलब अपन सही उतरे थे भाई, बाय चांस, है ना। अब जिनको यू डॉट वी करना आता वो जानिए साहब, इसका मतलब है क्यू माइनस आर डिवाइड बाई ए प्लस अगले वाले का मतलब है आर माइनस पी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू पी माइनस सॉरी प्लस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी, और आगे पीछे कुछ पता नहीं इसने क्या लिखा है, ठीक है। हाँ सर, अब मेरे को 2 चीजों का इंतजार है, या तो ये 1 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए, बी या सी में से उठ जाए, नहीं तो फिर क्रॉस करना पड़ जाएगा। 2 ऑप्शन क्रॉस से उठेंगे या दो ऑप्शन डॉट से उठेंगे, राइट है। अच्छा देखिए सर, ये 1/A की जगह मैं ये चिपका रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस पी माइनस 1 × D, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1/A। इंटू में क्या लिखना है मुझे? क्यू माइनस आर, श्योर है? अच्छा, अभी ये मेरे को लग रहा है ये भारी पड़ जाएगा, थोड़ा सा इसको चेंज मार देता हूँ। कैसे चेंज मारूंगा तो देखते हैं एक बार जरा, ठीक है। इसमें और इसमें क्यू कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना, ये क्यू बाई ए है, तो क्यू कॉमन लेने पे इधर से बचेगा 1/A और यहां से बचेगा माइनस का 1/C बचेगा। उसी प्रकार से इसमें और इसमें आर कॉमन आने पे आर ब्रैकेट में आ जाएगा और 1/B माइनस 1/A रह जाएगा, रह जाएगा। उसी प्रकार से पी के कॉमन आने पर 1/C माइनस 1/B रह जाएगा, रह जाएगा। अच्छा, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं सिर्फ एक को ही डील कर रहा हूं इसको, बाकी 2 को डील नहीं कर रहा। आगे 1/A की अगर बात करी जाए तो 1/A ये रहा, तो 1/A की जगह मैं लिख लेता हूँ ए प्लस ब्रैकेट में कितना पी माइनस 1 × D माइनस सी की 1/C की जगह लिख देता हूँ, तो इट इज ए प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आर माइनस 1 × D लिख दूं। ए से ए उड़ा देते हैं, बोले तो एक माइनस का डी खुलेगा, माइनस के डी से ये भी उड़ा दूंगा, नहीं आया समझ में। अच्छा, फिर भी मार्केट में रह जाएगा एक पी डी माइनस आर डी,
पीडी माइनस आर डी रह जाएगा, है ना भाई। तो क्यू टाइम्स ब्रैकेट के अंदर पी माइनस आर इंटू डी, सही है भाई। और तो कुछ नहीं रहेगा ना। अच्छा आप बोलो तो, अच्छा जैसे इसमें डी रहेगा, जैसे अभी तो अपन इसको डील किया तो डी रहा पी डी माइनस आर डी। आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो मैं आपको फ्यूचर यही दिखा दूं, इसक वाले के अंदर रहेगा आर ब्रैकेट के अंदर, अगर ये वन अपॉन बी है तो रहेगा कितना क्यू डी माइनस पी डी, नहीं है। अच्छा और यहां रहेगा वन अपॉन सी वाले में रहेगा आर डी माइनस क्यू डी, तो पूरी कहानी में से डी बाहर ले लेता हूं, नहीं है। तो पहले वाले में से रह गया ओनली एंड ओनली पी माइनस आर, सोचना। अगले वाले में से रह गया आर इंटू, कहां गया क्वेश्चन अपना, वन अपॉन बी है ना, वन अपॉन बी क्यू माइनस आर, लिख लो भाई क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। अच्छा प्लस में पी की जगह पी और वन अपॉन सी की जगह आर माइनस क्यू, श्योर है आंसर इज इसका मतलब पी एंड क्यू, यू एंड वी, सॉरी यू एंड वी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ सर क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। इसमें एक बड़ा ही रोचक डाउट पूछा जाता है, हमने से किसी से पूछा नहीं क्योंकि करा होगा ना तो करने के बाद में आता जरूर है कई बार डाउट, और कई बार बच्चा भूल जाता है कि ये भी पूछना था क्या। हाँ तुमने पूछा था क्या, नहीं किसी ने पूछा मेरे से क्वेश्चन, ये पूछा कि सर इसमें सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। नहीं है, आपने किया नहीं है ना इसलिए तो जब आप, हाँ तो फिर आपको फिर तो 100% आता है डाउट, 100% डाउट आता ही आता है अगर आप साइन थीटा में खेलने लग जाओ तो, अगर आप साइन थीटा में नहीं खेलोगे तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है मॉडुलस में e1 वेक्टर माइनस e2 वेक्टर इज लेस देन 1, ये दिया ना, सही है भाई। तो 100% बात है कि जब आप स्क्वायर करोगे तो मॉड e1 का स्क्वायर प्लस मॉड e2 का स्क्वायर माइनस में 2 मॉड e1 मॉड e2 इनटू कॉस 2 थीटा इज लेस देन 1 हो जाएगा, हो जाएगा राइट नाउ इट इज 2, अरे 1 प्लस 1 माइनस में 2 इनटू 1 इनटू 1 इनटू कॉस 2 थीटा इज लेस देन 1, 1 से 1 उड़ा दो आप, इस 2 कॉस थीटा को उधर ले जाओ, 2 कॉस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कॉस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, नहीं है। अब बताओ आगे क्या करना है, अब क्या करें, थीटा इज ग्रेटर देन 2 थीटा इज ग्रेटर देन, हाँ कितना 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 2 थीटा इज ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन कितना पाई बाय 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि 2 थीटा जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई के बीच में होता है, तो अगर 2 थीटा इज ग्रेटर देन तो थीटा इज लेस देन पाई बाय 6 एंड 0, जब आप इसको प्रॉपर रास्ते से करोगे गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आपने साइन थीटा कर दिया, जैसे यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं ना 2 माइनस 2 कॉस थीटा लिख लेते हैं, नहीं समझ में आया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा लिखते 2 कॉमन आ जाता, 1 माइनस 2 कॉस थीटा लिखते ही साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, तो साइन थीटा के कारण है ना जो वैल्यू इधर आ रही है वो वैल्यू इधर भी आने लग जाती है, वो दिखती है लेकिन कॉस 2 थीटा में नहीं दिखती, आई बात अभी भी नहीं आई, जब करोगे तब आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गुड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, हाँ जी साहब इट्स कैसे हुआ, अच्छा वेरी गुड है ना, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ साहब अगर भाई देवे अपने से ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अपन ज्यादा टाइम दे गए, अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ना, ए सी अपने आप में बाइसेक्टर है ए बी और ए डी का, और ए बी और ए डी के बीच में एंगल 2π/3 है, 120 डिग्री दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ए बी और ए डी के बीच में ऐसा है, और ए सी इनका बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री पे होगा, तो अपन ऐसा करते हैं ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, नहीं है ये वाला पॉइंट इज सी और ये वाला एंगल इज पाई बाय 3, ये वाला एंगल इज पाई बाय 3, कुल मिलाकर के एंगल इज 2π/3, बस अभी तो फिट है, नहीं है इतनी दूर तक तो आई गया होगा। आप में से सभी को यहां पे दिख गया होगा 15 मॉड ए सी बराबर में 3 मॉड ए बी बराबर में 5 मॉड ए डी, सही है भाई। अच्छा आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15, सही है। तो इसका मतलब ये कि मॉड ए सी डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू मॉड ए बी डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू मॉड ए डी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के कर दूं,
इसका मतलब ये कि मेरे लिए मॉड ए सी की वैल्यू के हो गई, मॉड ए बी की वैल्यू जरूरत पड़ने पे 5K हो गई, और मॉड ए डी की वैल्यू मेरे लिए 3K हो गई। यहां तक तो बराबर है। अच्छा अब एक काम कर देना, ओरिजन यहां पर ले लेते हैं अपन, इससे एक वेक्टर तो कम हो जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा इसको फिर ऑटोमेटिकली ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये वाला सी वेक्टर हो गया, और ये वाला डी वेक्टर हो गया। आधा लफड़ा तो यही खत्म हो गया। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देन द एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। उम्मीद है ये नोटेशन आपके थोड़े थोड़े जान पहचान में आ रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इट इज इक्वलेंट टू बी ए वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन में कितना, मॉड बी ए मॉड सी डी। ये बात सही है क्या? अच्छा और धीरे धीरे चलते हैं, अब जरा सोच सोच के जवाब देते जाना, ठीक है। बी ए, बी ए माने बी माइनस जीरो, अरे बी माइनस जीरो भाई, अरे बी वेक्टर ओनली, सही है। सी डी वेक्टर माने डी माइनस सी, डी माइनस सी कर दूं भाई, अरे डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर नहीं है। सिमिलर वे में मॉड बी इंटू मॉड डी माइनस सी, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई माइनस क्या आएगा, माइनस का बी आएगा। अच्छा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी से ए की ओर, माइनस का बी ए वेक्टर आ जाएगा क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस बी आया, सही है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही आएगा। चलो अच्छा क्या बात चल रही थी, अब इसको खोलिए साहब, माइनस का बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, उम्मीद है पता होगा, इसका मतलब हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सबको बाहर ले आओ, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तब तक मैं आपको कुछ रोचक बात बता दूं कि जिसे आपने ए बी बोला, जिसे आपने ए बी बोला वो मॉड ए बी था, एंड दैट इज नथिंग बट मॉड बी वेक्टर, नहीं पकड़ना है। अच्छा जिसे आपने ए डी बोला दैट इज डी वेक्टर माने मॉड डी वेक्टर, सही है। और ए सी का मतलब हो गया ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर माने मॉड सी वेक्टर, सही है भाई। चलो आपके सारा सामान धीरे धीरे मैं जुगाड़ता जा रहा हूँ, उम्मीद है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस अब अपने को एक कदम और चलना, उसके बाद आप मेरे से कई बच्चे यहाँ से क्वेश्चन लेके जा सकते हैं। अब मेरे को चाहिए बी डी वेक्टर, सारा दिमाग इसी पे लगाते हैं, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मॉड बी मॉड डी कॉस बी और डी के बीच का एंगल, बी वेक्टर ये रहा साहब, और डी वेक्टर किधर भाग गया, ये रहा डी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल 2π/3, मॉड बी इज इक्वल टू 5K, सही है भाई, मॉड डी इज इक्वल टू 3K और कॉस 2π/3 दैट इज -1/2, श्योर है। तो मैं बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की जगह भर सकता हूँ, अब के टर्म्स में के स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, नहीं है। अब आ गया बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा कितना, मॉड बी मॉड सी और बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल दैट इज 5/3, तो दैट इज कॉस 5/3 कर दो भाई। मॉड बी इज इक्वल टू कितना 5K, तो ये हो गया 5K इंटू सी की तरफ आ गया के इंटू में कॉस की जगह 1/2 हो गया। अब आप बोलिए तो बाकी वैल्यू उसको भर लेंगे, क्या आपको मॉड बी आता है? अच्छा मॉड डी माइनस सी कैसे लाओगे? अगर मुझे मॉड डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर चाहिए तो क्या करूं, स्क्वायर नहीं है। अब आपके लिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं कितना होगा, मॉड डी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड डी मॉड सी इंटू में कॉस दोनों के बीच का एंगल, डी और सी के बीच का, डी एरा और सी वेक्टर के बीच का एंगल 5/3 कर दोगे आगे, कॉस 5/3। अब ये सिर्फ वैल्यू भरनी भरनी है, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, तो शायद कुछ 2/√7 करके कुछ आ जाएगा। हाँ सर और कौन सा दिया, सातवां दे दिया, सातवां दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन, हाँ गलत दे दिया आपको, अभी पहला क्वेश्चन ही 2 वेक्टर का नहीं है, माने 2 वेक्टर्स का नहीं है, 3 वेक्टर का ही है। हाँ भाई किसी ने क्वेश्चन नंबर 8 किया, हुआ किसी का? हाँ बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, अगर ऐसे समझ में आ जाएगा तो बहुत ही मजा है। ये टेट्राहेड्रॉन लीजिए, ठीक है, इस टेट्राहेड्रॉन का नाम क्या है, तो अपन कुछ नाम दिया इसने, कोई नाम नहीं दिया, तो अपन ही रख लेते हैं ओ ए बी सी, ऐसा रख लेता हूं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन है, राइट है, दिस इज टेट्राहेड्रॉन। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कंसीडर द फेसेस F1, F2, F3, F4, ठीक है, कोई फेस ले लिया F1, F2, F3, F4, हाँ सर। उम्मीद है कि आप में से बहुत कम सेकंड फटाफट समझने वाले बच्चे ये बात समझ जाएंगे कि ये एक फेस है,
ये बात समझ में आती है आपको? ये इधर वाला एक फेस है, इसका नाम F1 रख देता हूँ। क्या रख दिया? F1। अच्छा, ये बाजू में जो है ये वाला दैट इज F2, ये दूसरा फेस है। एक फेस पीछे और एक फेस, तो ये वाला जो फेस है इसको अपन F4 नाम दे दें। दे दें भाई? नहीं यार, F1, F2, F3, F4 चार फेस दिखे। अच्छा, इनके जो एरिया हैं, हर किसी का एरिया, जैसे ये O है, इसको मैं A वेक्टर नाम दे देता हूँ, इसको मैं B वेक्टर नाम दे देता हूँ, इसको मैं C वेक्टर नाम दे देता हूँ, ये ओरिजिन वेक्टर ही रख लेते हैं। नहीं है? अब मैं आपके सामने इस F1 का एरिया A1 बोल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्रॉस ये, याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज, A क्रॉस B, तो 1/2 A क्रॉस B, सही है? मेरे को बस ये देखना है कि एरिया जो भी है हमारा वेक्टर ही है, तो A1 वेक्टर है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रख रहा हूं। अच्छा, अब आता हूं A2 वेक्टर, फेस टू ये रहा, इसका नाम है B वेक्टर और इसका नाम है C वेक्टर, तो इट इज हाफ B क्रॉस C, वापस एंटी क्लॉकवाइज गया। नहीं है? तो हाफ B क्रॉस C। अब आपकी बारी है, ऐसा मुझे समझाने की, पीछे वाला फेस C क्रॉस A या A क्रॉस C? C क्रॉस A, ये यू आया, पहले यू आया, फिर यू आया, फिर यू ही चला गया, तो कितना हो गया? हाफ C क्रॉस A, तो A3 वेक्टर इज इक्वल टू हाफ C क्रॉस A। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अब लास्ट A4 पे बिल्कुल दिमाग लगा के बोलिएगा, रुकना रुकना रुकना, ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर ले लूं? अरे यो जाना है ना, यो जाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलो ना हाफ, कितना 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 बोल रहे हो आप लोग? एक सेकंड, बी माइनस ए, बी माइनस ए लिखूं क्या? बी माइनस ए क्रॉस कितना? सी माइनस ए, पक्की बात है क्या भाई? सी माइनस ए वेक्टर, पक्की बात है? अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसको सॉल्व करने पे मेरे को जहां तक लगता है हाफ तो बाहर ही रह गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह गया? बी क्रॉस सी, पक्की बात, प्लस बी की ए से मल्टीप्लाई, बी क्रॉस ए, माइनस का बी क्रॉस ए माने ए क्रॉस बी, सही है भाई, प्लस ए की सी से मल्टीप्लाई, माइनस का ए क्रॉस सी बोले तो प्लस का सी क्रॉस ए, और प्लस जीरो, सही है? अब जरा सबको जोड़िए, जोड़ने पर वैल्यू अगर सही आ गई तो ठीक है, नहीं तो अपन ने कोई चमत्कार मचाया है जिसको दोबारा देखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी इसके पास भी है और अपने पास भी है, मुझे लगता है हमसे चमत्कार हो गया है क्योंकि आंसर जुड़ रहा है, लेकिन आंसर तो जीरो आना चाहिए, है ना भाई? तो अपन ने कहां से कोई चमत्कार किया है? सी माइनस ए, ए बी सी, उधर से देखा जाए तो सही तो सोच रहे हैं अपन, फिर इधर हुआ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, इधर क्या आया? ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर है, और इधर से देखा जाए बी क्रॉस सी बराबर है, उधर से देखा जाए तो सी क्रॉस ए भी बराबर है, और नीचे से देखा जाए तो ये क्रॉस ये नहीं, क्योंकि ये, अरे हाँ, आउटसाइड होगा ना, ये बाहर की तरफ आना चाहिए, तो मैं ये तो देखने ही भूल गया, ये बाहर की तरफ, इधर से देखा जाए तो ये बाहर की तरफ, और उधर से देखा जाए तो अगर अपन सी से ए की ओर जा रहे हैं तो सी से ए की ओर बाहर की ओर, हाँ, अब लास्ट वाला भी बाहर आना चाहिए, साला पंगा ही पंगा है, जीने नहीं देंगे, तो ये वाला होगा, ये तभी नीचे बाहर की तरफ आएगा क्योंकि ये तो अंदर जाएगा, अगर मैं इससे इसकी तरफ जाता हूं तो इनसाइड हो जाऊंगा मैं, तो ये क्रॉस में उल्टा हो जाएगा, माइनस कर दूं क्या? बस ये माइनस कर दिया, आपको पता है सारे कट गए, तो आंसर जब का क्या आ गया? जीरो। अच्छा हाँ भाई, बाकी अपन बाद में करें, ठीक है, नहीं तो क्या है, जान निकल जाएगी।